Hey guys, welcome back to another vlog. तो आज हम जा रहे हैं खमानी तोड़ने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। क्या खा रहे हो आप? खीर। खीर, वाओ। तो गाइस ये है हमारे बरामदे से व्यू दिखता है, वो सामने ऊपर वो करट घोड़ी है और ये गंदा बच्चा शरारती कर रहा है। ये देखो, आज हम लोग जा रहे हैं खुमानी तोड़ने जा रहे हैं आज हम अपने बगीचे में। ये एक पेड़ है खुमानी का, इस पर फ्रूट जो बहुत कम हुआ है, एक ये रहा है यहाँ पे और दो तीन उस तरफ भी हैं आगे को। तो पहले से यहीं से शुरू करेंगे। भैया भी पेड़ पे हैं, चढ़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं और हम भी कोशिश करते हैं नीचे से तोड़ने की। ये पलटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, बस थोड़े से हैं ये ऊपर। ओ थोड़े खींच के निकाल लेंगे ये, बाकी ऑलमोस्ट हो गया है। भैया भी ऊपर ही हैं, वो तोड़ रहे हैं, मैं नीचे आ गया हूँ। थोड़े से मैंने यहाँ से खींचे हैं नीचे। ये हमारे घर से कनीकोट का व्यू, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। और ये नीचे NHPC चमेला टू की रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इसका व्यू मैं आपको अपने घर से दिखाऊंगा, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये ऊपर हमारा घर, ये वाला ऊपर। गाइस एक पेड़ तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ है एक पेड़, यहाँ है एक, दो तीन पेड़ यहाँ और एक वो पीछे है। तो इसकी अब शाम होने वाली है और अब मच्छर भी होंगे, तो इसे बेटर है कि हम इनको कल ही तोड़ें। तो चलते हैं अब वापस, कल फिर से आएंगे अपने बगीचे में, जो पेड़ अभी बाकी हैं वो तोड़ने के लिए। पेड़ ये छोटा सा है यहाँ पे, अब इस पर इतना पके नहीं है, तो इसको हम दो या तीन दिन में तोड़ेंगे। एक पेड़ ये है इस तरफ नीचे, इस पे भी हैल लगे, एक्चुअली इस पे धूप नहीं लगती है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो है वो भी फ्रूट भी कच्चा ही है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अभी कच्चे ही हैं, तो
तो जैसे ये पकेंगे, इसको भी आई थिंक एक वीक लगेगा पकने में, तो एक वीक के बाद इसको तोड़ेंगे। ये विहान, ये मेरा छोटा बेटा है, हम तीनों ही लगे थे, मैं ये और इसके बड़े पापा। सो हमारी प्लकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और शाम भी हो गई है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।